हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 जो कि एग्रीकल्चर है, उसके लर्नर डायरी क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने कहा आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यस, 60 ठीक रहेगा। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक आर द प्राइमरीज एंड सेकेंडरी एंटिटीज, यानी कि थ्री टाइप को मतलब एक्टिविटी इकोनॉमिक को डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट कौन सा है? प्राइमरी। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंड प्राइमरी एंड थर्ड है टर्टियरी एक्टिविटी। तो ये तीन है जो आपको डिवाइड कर दिया गया है। स्पेशली मतलब यहाँ पर मैंने दो दो लर्न लिख दिया है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक ही लर्न होगा। कहाँ गया, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट आपकी, तो पूरा हो गया। छोड़िए, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लेना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ये वाली लिखना, ये वाली मत लिखना, ये वाली रॉन्ग है, ठीक है। ये वाली मत लिखना, बस आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन कौन से? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्टियरी एक्टिविटी, ठीक है, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, व्हाट यू फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। तो मैंने लिखा आई इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर सम किचन ऑफ एक्सरसाइज, चलिए ठीक है। फिर हमारा आता है व्हाट यू फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। तो मैंने लिखा आई चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस मेड नीड टू फार्मर एंड फैमिली, यानी कि मतलब जो इस पर यह चैलेंजिंग लगा कि जो फार्मिंग के जो प्रैक्टिसेस, यानी फार्मर जो होते हैं उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। फार्मर जो होते हैं वो अपने फैमिली के साथ जो है मतलब उस मतलब खेत को तैयार करते हैं, उसके बाद वो जाके मतलब कि उसके अंदर धान बोते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है और काफ़ी मतलब इसमें मतलब हमें नौकर भी चाहिए होते हैं जो कि मतलब इसके अंदर मतलब काम करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं स्टूडेंट, गुड बाय।